अरे अरे बिटिया के साथ ऐसा बिहेव मत करो। पापा और मासी को बता दूंगी, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। शट अप, चुप रहो एकदम, वरना तुम्हारी माँ और पापा दोनों का ये बंद कर दूंगी। ओनियल अंकल, आपने भी ऐसा किया मेरे साथ। तुम मुझे वो एंटीडोट लाके दो अभी। सुना नहीं तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लड़की का मुंह बंद नहीं हो रहा, तुम्हारा मुंह खुल नहीं रहा, पता चल रहा है क्या? पता एंटीडोट कहाँ है? हाँ छोड़ो, पहले एंटीडोट है वहाँ प्रभु के यहाँ है, वहाँ पर एक छोटा सा वो खिलौना होगा उसमें है। पर मैं वो एंटीडोट लेने कैसे जाऊंगी? मैं वहां गई और सियादी ने मुझे देख लिया तो। तुषार फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठा। रश्मि दी, वो माँ ने बताया कि खुशी कहीं गायब हो गई है, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ पे आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हो, वरना मैं यहाँ क्यों आती एक साथ दो। रश्मि, मैंने तो इतने सवाल भी नहीं किए जितनी सफाई दे रही। हाँ अब रश्मि तो बाहर जाके देख, मैं उसको यहाँ पे देखती हूँ। दी आप बाहर जाके देख लो ना, मैं अंदर देख लेती हूँ, कोई क्लू मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं मतलब आज क्या है ना, मेरे आँख में से ना सुबह से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों, तो मैं धूप में जाना अवॉइड कर रही हूँ। और आप तो मुझे बचपन से जानते हो, मैं लुका छुपी के खेल में कितनी चैंपियन थी, कोई भी कहीं भी रहता था तो मैं कैसे क्लू निकाल के ढूंढ लेती थी। चल ठीक है, अभी बातें कम कर, तो ढूंढ मैं बाहर देखती हूँ। हाँ, उनियल ने बोला था कि किसी टॉय में छुपा के रखा है तो इसे तो नहीं ढूंढ रही। और सिया को नहीं पता है कि मैंने रश्मि का नाम लिया है, उसको सुनाई ही नहीं दिया, बहुत धीरे से बोला था मैंने, फिर वही बात बार 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 बार। और वैसे भी सिया को पता है कि सबके पीछे मैं हूं, तो वो अपनी बहन पर शक क्यों करेगी? पर वो तुम्हारी बात पे भरोसा भी तो नहीं कर सकती। जो इंसान सिया के पापा के बारे में झूठ बोल सकता है, उसकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। फिर वही बात, वो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती तो मुझ पे शक भी तो नहीं कर सकती। उसने खुद मुझे ट्रुथ सीरम दिया है, उसे पता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और सच ये भी है ना कि तुम यहाँ जो आए हो वो रश्मि के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ लेके आया है, पैसों का लालच, ये मुझे पता है, समझे? ये बात मेरे सामने तो बोल दी, रश्मि के सामने बोला ना, मुझे वही मार दूंगा, समझा? थोड़ा आराम, ठीक है? रश्मि के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं, गुस्से को थोड़ा कम करो, शुक्र करो कि वहां पर एंटीडोट मिल जाए उसको, कि बहन सिया ना मिले।